अमल को न्यूट्रिशन कहा जाता है। और न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट का मतलब बेसिकली ये है कि वो एक ऐसा एलिमेंट या बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि प्लांट्स को अपनी नशो नुमा या बढ़ने चढ़ने के लिए चाहिए, तो उसको कहा जाता है न्यूट्रिएंट। अब हम क्या कह रहे होते हैं, भाई इसको मल्टी विटामिन पिलाओ, इसको ताकत का सीरप पिलाओ, कमजोर हो गया है, ठीक है, इसकी उम्र बढ़ती जा रही है, इसका जिस्म नहीं बढ़ रहा। वॉट इज दिस? दिस इज बिकॉज उस बंदे के अंदर या उस इंसान के अंदर उस एलिमेंट की कमी होती है, और उस एलिमेंट को हम अपनी जबान में या जो है वो केमिस्ट्री, देखे केमिस्ट्री अगर होती तो ये प्लांट एलिमेंट्स भी इसको कहा जा सकता था, ठीक है ना, ये है तो एलिमेंट ही। लेकिन केमिस्ट्री को जब एग्रीकल्चर की तरफ लेकर आया जाया गया तो फिर इसका नाम हमने एलिमेंट हटा दिया, क्योंकि एलिमेंट कॉमन हो जाएगा, एलिमेंट तो आपकी पीरियोडिक टेबल्स में भी है। तो प्लांट के हवाले से जब आप एलिमेंट्स को देखते हैं या जो प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उनको एग्रीकल्चर की जबान में कहा जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब ये बता रहा है कि भाई टिल नाउ साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड 118 एलिमेंट्स, ठीक है, इस पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स हैं जो साइंसदानों ने आज तक डिस्कवर कर लिए हैं। केमिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी बेटा, ये आपकी जान नहीं छोड़ेगी। पीरियोडिक टेबल को जब आप देखते हैं, ये नीचे वाली जो टेबल है ये पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो भी आप इसको नाम दे यही है। जब आप इसको गौर से देखेंगे या आप अपनी केमिस्ट्री की बुक को जाके दोबारा से विजिट करेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई इस जो है वो दुनिया के अंदर 118 एलिमेंट्स मिल चुके हैं, लेकिन उन 118 के एलिमेंट्स को हम प्लांट न्यूट्रिएंट नहीं कहते, ठीक है। एलिमेंट्स कोई भी हो वो प्लांट न्यूट्रिएंट सारे के सारे नहीं कहलाते, उसकी वजह है, वजह हम बाद में पढ़ेंगे अगली स्लाइड में है बेसिकली कि क्यों जो है वो नहीं होता। लेकिन इसमें से जो है वो चंद एलिमेंट्स हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा जो है वो जरूरत होती है, तो सिर्फ उन एलिमेंट्स को कहा जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट, बाकी एलिमेंट्स ही है, ठीक है। तो यही होगा कि भाई सिर्फ उन एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो के अहमियत रखते हो प्लांट की बढ़ोतरी के लिए या नशो नुमा के लिए। सो दिस इज द जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई प्लांट न्यूट्रिएंट बेसिकली वो एलिमेंट है जो के इसेंशियली रिक्वायर्ड, बहुत जरूरी रिक्वायर्ड होता है प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। समझाने के लिए मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि भाई सारे एलिमेंट्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स नहीं है, क्योंकि उनका प्लांट की बॉडी में कोई रोल नहीं है। जिनका रोल है, जो प्लांट को चाहिए हर हाल में चाहिए, उनको कहा जाता है प्लांट न्यूट्रिएंट, बाकी जो है वो कॉमनली जो है वो एलिमेंट्स ही हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भाई इसेंशियलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, क्यों हम सारे एलिमेंट्स को प्लांट न्यूट्रिएंट का दर्जा नहीं देते, क्यों मखसूस एलिमेंट्स को प्लांट न्यूट्रिएंट माना गया है। तो ये इसेंशियलिटी का क्राइटेरिया है कि भाई प्लांट न्यूट्रिएंट्स को इसेंशियल जरूरी क्यों माना जाता है, कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको इसेंशियल माना जाता है। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है कि भाई प्लांट्स रिक्वायर लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। जैसे इंसान को भाई कढ़ाई भी चाहिए, ठीक है, मटन चाहिए, सब्जियां चाहिए, दालें चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हम खा रहे होते हैं। तो ये क्या हम क्यों खाते हैं? हम ये इसी वजह से खाते हैं ताकि हमारा टेस्ट चेंज हो, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ वेजिटेबल्स खाते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मीट खाते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है, ऐसे नहीं है। वी आर बिहाइंड द न्यूट्रिएंट्स ओनली, ठीक है। हमारा जो फोकस है एग्रीकल्चर में हो या ह्यूमन न्यूट्रिशन में हो, वो न्यूट्रिएंट्स पर है। अब वो जहां से हमें मिलने हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिएंट्स हमें सब्जियों से भी मिलते हैं, गोश्त से भी मिलते हैं, दालों से भी मिलते हैं, ठीक है, फिश से भी मिलते हैं। तो हमारे लिए जरूरी क्या है? हमारे लिए ये चीजें जरूरी नहीं है, उनके अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं। तो हम न्यूट्रिएंट्स के पीछे भागते हैं, ठीक है। आप कढ़ाई खा रहे हैं तो भले खाएं भाई, आप मटन का कोरमा खा रहे हैं तो भले खाएं, ठीक है। जिन लोगों को भूख लगी है आई एम रियली सॉरी, उनको जो है वो मैं ऐसे ऐसे जो है वो खानों के नाम बता रहा हूँ, उनको जो है वो भूख लगेगी। सो वी डोंट नीड दिस,
हमें कढ़ाई की जरूरत नहीं है, वो आवर बॉडी डोंट नीड द जो है वो कुछ भी उसको जरूरत नहीं है। हमें चिकन की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उस चीज की जरूरत है जो चिकन के अंदर मौजूद है, और अपने टेस्ट के हिसाब से कच्चा तो हम खा नहीं सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको अपना जायका देने के लिए हम उसको मुख्तलिफ चीजों में लेकर आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट्स को जो है तीन चीजें चाहिए होती हैं, एक उनको रोशनी चाहिए, एक उनको वाटर चाहिए, और दूसरा उनको चाहिए होता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। तीन चीजें प्लांट्स को चाहिए, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। कभी आपको किसी जो है ना वो पेड़ पौधे ने आके थप्पड़ मार के कहा हो कि भाई खुद बिरयानी खा रहे हो और मुझे कुछ नहीं खिला रहे हो, ऐसे कभी हुआ है? ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज दे डोंट नीड देम, ठीक है। ये हम है कि जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बना के भेजा है, फिर हमने उसको जायके दे दिए कि भाई फला बिरयानी फला बिरयानी, तो वी आर बिहाइंड द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन हम जो चीजें खाते हैं उनमें टेस्ट पैदा करने के लिए उनको फ्राई करते हैं, उनको कुक करके खाते हैं, क्योंकि हम रॉ नहीं खा सकते। प्लांट्स ऐसे नहीं है, प्लांट्स को तीन चीजें चाहिए, लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, ठीक है। जो उनको मिल जाती है तो वो अपनी जिंदगी बड़े अच्छे तरीके से जो है वो गुजारते हैं। अब किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल, एसेंशियल लफ्ज का समझे, जरूरी, इसका मतलब ये है कि अगर एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, आपकी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी, आपकी फसल अच्छी नहीं होगी, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट को एसेंशियल मानने के लिए या उसको एसेंशियल का दर्जा देने के लिए जो क्राइटेरिया यूज किया जाता है वो तीन है। तीन चीजों के ऊपर हम कहते हैं कि भाई ये न्यूट्रिएंट प्लांट के लिए जरूरी है, बाकी किसी काम के नहीं। एलिमेंट्स तो बहुत सारे हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर होते भी हैं, लेकिन उनमें से चंद ऐसे हैं जिनको हम इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट कहते हैं या प्लांट न्यूट्रिएंट्स का दर्जा देते हैं। सो उनको क्लासिफाई कैसे किया गया है, या उनको जो है वो क्राइटेरिया क्या है उनको जो है वो दूसरों से अलग करने का, तो इनके जो क्राइटेरिया है वो तीन है। पहली बात कि उस एलिमेंट के बगैर प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसकी गैर मौजूदगी से पौधे अपना लाइफ साइकिल यानी कि जिंदगी के अमल को बरकरार ना रख सके, सिंपली मर जाएं उसकी एब्सेंस में, तो ये पहला क्राइटेरिया है प्लांट न्यूट्रिएंट को इसेंशियल मानने का, कि भाई वो इतना जरूरी है कि अगर उसकी कमी हो गई या उसकी गैर मौजूदगी हो गई तो हमारे प्लांट्स मर जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया यही है कि उसकी गैर मौजूदगी में आपके जो प्लांट्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। इन सिंपल, अगर वो न्यूट्रिएंट नहीं होगा वो क्या होंगे, मर जाएंगे, ठीक है। दूसरा दूसरा क्राइटेरिया ये है कि भाई वो जो एलिमेंट है वो स्पेसिफिक है, उसका काम स्पेसिफिक है, ठीक है। जैसे आप लोहार को जाके ये कहें कि भाई मेरे घर की दीवार गिर गई है चल के बना के दो, मिस्त्री तो तुम भी हो मिस्त्री तो वो भी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो सिमिलरली न्यूट्रिएंट्स के जो फंक्शंस हैं वो भी क्या हैं, स्पेसिफिक हैं। अगर नाइट्रोजन का काम सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना है तो लाजमी नहीं है कि फास्फोरस का भी वही काम हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इनको जो फंक्शंस हैं इनके, या इनको जो टास्क अल्लाह ताला ने दिए हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर, वो स्पेसिफिक हैं, मखसूस हैं, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं नहीं पढ़ा सकता पैथोलॉजी, नहीं पढ़ा सकता एंटोमोलॉजी, क्यों, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज उनमें नहीं है, ठीक है। पढ़े तो मैंने भी है लेकिन मेरी एक्सपर्टीज उनके अंदर नहीं है, तो मैं स्पेसिफिक बन रहा हूँ, मैं अपनी सिर्फ फील्ड को पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मिसाल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही बात हो जाएगी कि भाई एलिमेंट्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, उनका जो काम है वो स्पेसिफिक है। आप ये कहें कि भाई जो है वो नाइट्रोजन अगर नहीं है तो फास्फोरस हम दे देते हैं, ठीक है, फास्फोरस नहीं है तो पोटेशियम दे देते हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जो काम जिस बंदे ने करना है या जो काम जिस न्यूट्रिएंट का है उसी ने ही करना है। तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वो एलिमेंट्स जिनका काम प्लांट की बॉडी के अंदर स्पेसिफिक हो, यानी कि दूसरे न्यूट्रिएंट्स उसकी गैर मौजूदगी में उस वाला काम ना कर सकें, ये भी उसको क्या करता है, इसेंशियल बनाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि भाई वो एलिमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है प्लांट की न्यूट्रिशन में, यानी कि ऐसे नहीं है कि आपने दे दिया प्लांट ने ले लिया लेकिन प्लांट का उससे कोई काम ही नहीं, ऐसे नहीं है। सो ये तीन पॉइंट्स हैं, इन तीन पॉइंट्स की वजह से हम कहते हैं कि भाई 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ 18 या 19 हैं जो हमारे लिए प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी हैं, बाकी काम के
नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लांट दूसरे नहीं उठाता, प्लांट्स के अंदर तकरीबन सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, कुछ कम होते हैं कुछ ज्यादा होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है प्लांट्स के लिए, उनको जो क्राइटेरिया है वो यही है कि सबसे पहले बात याद रखें कि उस एलिमेंट की गैर मौजूदगी में पौधा अपनी जिंदगी कंटिन्यू नहीं कर सकता, यानी कि उसकी एब्सेंस में वो मर जाएगा। दूसरा जो कंपोनेंट है वो ये है कि भाई उस एलिमेंट का जो काम है वो स्पेसिफिक है, सिर्फ वो ही कर सकता है, उसकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जो उसका काम परफॉर्म कर सके। दैट्स व्हाई हम जो है वो इसके पीछे भागते हैं। और तीसरी जो पॉइंट है वो यही है कि भाई वो जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपकी जो है वो प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि प्लांट ने उठा लिया बस ठीक है भाई काम का नहीं है तो पड़ा है, ऐसे नहीं है, उसकी जरूरत होगी प्लांट को, हर तरीके से होगी। ठीक है, सो दिस इज, ये थे प्लांट न्यूट्रिएंट्स कि भाई न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, एलिमेंट्स हैं, भाई कौन से एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं नेचर के अंदर, 118 तो दरियाफ्त कर लिए गए, सॉरी उनको भूला गया है, तो क्या सारे ही हैं? नहीं, सारे नहीं है, प्लांट्स को उनमें से चंद चाहिए। भाई चंद ही क्यों चाहिए, सारे क्यों नहीं चाहिए? तो चंद इसी वजह से चाहिए कि उनको जो है वो बहुत ज्यादा दिन की जरूरत होती है, वो बड़े काम के होते हैं, बाकी तो प्लांट्स के अंदर अगर नहीं भी हो तो प्लांट्स की काम चल जाता है। तो क्या क्राइटेरिया है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भाई ये जो न्यूट्रेंट है वो इसेंशियल है, जरूरी है, इसेंशियल का मतलब है जरूरी। तो क्यों न्यूट्रेंट्स को जो है वो जरूरी करार दिया गया है, किन न्यूट्रेंट्स को जरूरी करार दिया गया है, तो इसके ये तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखें कि उसकी गैर मौजूदगी में प्लांट्स जो हैं वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते, यानी कि मर जाएंगे। जैसे मछली को आप पानी से बाहर निकालो तो वो मर जाएगी, सिमिलरली इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट अगर जमीन के अंदर कम पड़ जाएगा या उसकी अवेलेबिलिटी प्लांट्स को कम हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, डाई ऑफ हो जाएगा, प्लांट खत्म हो जाएगा। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फंक्शन है वो यही है कि भाई प्लांट्स जो हैं वो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस एलिमेंट का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। जहां पर बात आती है स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट, ठीक है, एक मखसूस न्यूट्रेंट कोई एक मखसूस काम परफॉर्म कर सकता है, वो काम कोई और न्यूट्रेंट एलिमेंट नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई हमने इसको क्या करार दिया है कि भाई ये एसेंशियल है। मिसाल के तौर पे कोई कहे कि आप नहीं हो तो चलो इसको भेज दो, तो मुझे पता है कि भाई यहाँ ये कर सकता है तो मैं भेज दूंगा, अगर मैं ही कर सकता हूँ कोई काम तो भाई जब तक मैं नहीं आऊंगा तब तक तो काम होगा नहीं। तो यहाँ पर भी यही है कि अगर नाइट्रोजन कोई काम कर रही है या फास्फोरस कोई काम कर रहा है तो इनकी गैर मौजूदगी में कोई दूसरा न्यूट्रिएंट एलिमेंट आके वो काम नहीं कर पाता। तो दैट्स व्हाई वी से देम दे आर स्पेसिफिक टू देयर वर्क, ये मखसूस है अपने काम के लिए, इनका कोई काम दूसरा नहीं कर सकता। और तीसरी जो अहम पॉइंट है वो यही है कि भाई द एलिमेंट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लांट न्यूट्रिशन, वो जो एलिमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि पौधे ने ले लिया काम उसका है नहीं, ऐसे भी नहीं, उसकी गिरायत में उसका जरूर कोई ना कोई किरदार होगा, इसी वजह से तो हम उसको जरूरी करार दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं है कि साइंसदान पागल तो नहीं है। ठीक है, सो ये होता है आपका जो है वो एसेंशियलिटी क्राइटेरिया फॉर प्लांट न्यूट्रिएंट। अब जो अहम टॉपिक है एग्रीकल्चर के हवाले से, मैं स्पेसिफिकली आपको ये बता रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ कि ये टॉपिक सिर्फ सॉइल साइंस का नहीं है, ये एग्रीकल्चर की हर फील्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम न्यूट्रिएंट्स को पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि भाई कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके क्या काम होते हैं, उनकी गैर मौजूदगी में क्या हो जाता है, उनकी अवेलेबिलिटी को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट करती हैं, उनके प्लांट्स के अंदर रोल्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ें कि न्यूट्रिएंट्स हैं कितने। तो हम अब ये डिस्कस करेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है। तो न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो न्यूट्रिएंट्स को तीन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। फिलहाल आप इनको यहाँ तक समझें कि कौन से क्या है, आगे मैं इनको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या होता है। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स का भी शुमार मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही होता है, याद रखें स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स भी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ही होते हैं, लेकिन कभी कभार इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स का भी दर्जा दिया जाता है। और वो न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स कौन से हैं, तीन हैं, कार्बन,
ठीक है। अब ये सी क्या है, ये सी इसका सिंबल है। केमिस्ट्री में आप जो है वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को एक सिंबल से जो है वो डिनोट करते हैं। तो कार्बन का सिंबल है सी, हाइड्रोजन का सिंबल है एच, ऑक्सीजन का सिंबल है ओ। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इनका भी शुमार मैक्रो में ही होता है, लेकिन मैंने इनको अलग इसीलिए किया है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि भाई स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो ये तीनों सही है, ठीक है, ऑल ऑफ देम का ऑप्शन होगा। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चरल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, तब भी आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है। मैक्रो ही है, लेकिन कभी कभार इनको अलग भी पढ़ाया जाता है। जो न्यू बंदे हैं, मैंने उनके लिए जो है वो इसको अलग किया है कि भाई स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स जो है वो तीन है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। अब ये देखें, है एलिमेंट ही, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कहा जा रहा है क्योंकि ये प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब आप बात करते हैं, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को फिर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक है प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक है सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक बात मैं क्लियर कर लूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसको पोटेशियम पढ़ते हैं, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई गलत नहीं है। जो आपने सीखा है वो भी सही है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सही है। सो हम जो है वो इसको पोटेशियम पढ़ते हैं या पोटेशियम पढ़ते हैं, सो इट्स ओके, आप पोटेशियम भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर जो हैं वो होते हैं सेकेंडरी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। सेकेंडरी कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। उसके बाद जो आखिरी डिवीजन आता है वो आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कहीं पर 6 पढ़ाए जाते हैं, कहीं पर 9 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैंने जो रखे हैं वो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको कुछ साइंटिस्ट जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तस्लीम करते हैं, लेकिन वो हर प्लांट के लिए नहीं होते, तभी मैंने उनको ऐड नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि भाई क्लोरीन है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो कोबाल्ट है, सिलिकॉन है एंड वैनेडियम है। ठीक है, ये चार एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको कभी कभार माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये सबके लिए नहीं होते। ठीक है, ये कुछ मखसूस प्लांट्स की स्पीशीज हैं, उनके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई आपको कहता है और ऑप्शन है तो आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन जो मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो यही है कि भाई जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरॉन एंड मोलिब्डेनियम। ठीक है, ये 6 जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये जो 6 हैं इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और ये जो 3 हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। तीन ये, तीन ये, तीन ये, नौ, नौ और 6 15, 15 ये हैं, 4 मैंने आपको दूसरे बताए। तो वो भी अगर कोई कहता है तो उनके साथ जब आप देखेंगे तो ये हो जाते हैं अपना 19। ठीक है, लेकिन ये 15 हर हाल में होने हैं, हर प्लांट की स्पीशी के लिए ये 15 के 15 जो है वो बहुत जरूरी जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स के अंदर 3 जो है वो एलिमेंट्स आते हैं जिनका नाम है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्लांट न्यूट्रिशन या सॉइल फर्टिलिटी की जबान में स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जेन करते हैं या हासिल करते हैं फ्रॉम एयर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म, ठीक है, और वाटर से, यानी कि H2O की फॉर्म में। याद रखें, आपने कभी भी नहीं सुना होगा कि हमने सॉइल को, सॉरी, हमने पौधों को, जमीन को कार्बन दिए, हमने जमीन को हाइड्रोजन दिए, हमने जमीन को ऑक्सीजन का फर्टिलाइजर दिया है। नो,
ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है, यानी कि ये प्लांट एटमॉस्फेयर से लेता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स के अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये आप अगर इन तीनों को अलग कर दें तो ये प्लांट्स एटमॉस्फेयर से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर एंड वाटर। बाकी ये जितने भी हैं ये सारे के सारे जो हैं वो सॉइल से लिए जाते हैं, ठीक है। अब जब सॉइल में इनकी कमी आ जाती है तो फिर हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, जो मस्नूई तरीका है प्लांट के न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने का। तो क्या है कि भाई ये इनको हासिल करने के लिए प्लांट्स क्या करते हैं, एयर का इस्तेमाल करते हैं और वाटर का एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो एयर का इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट्स और वाटर का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे लैपटॉप बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है, अब जहां पर ये खत्म हो जाए तो काइंडली जो है वो थोड़ी सी देर जो है इंतजार कर लेना, मैं देन दोबारा से जो है वो ज्वाइन करूंगा आपको। तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं जहां तक चलती है, ठीक है। होपफुली लाइट भी आने वाली है, 2-3 मिनट रहते हैं तो आ जाएगी, तो मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है। अब इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स क्यों कहा जाता है, इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं प्लांट के स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है प्लांट के अंदर वो उनके स्ट्रक्चर्स को बनाना है। तो प्लांट के जो स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें आपके प्लांट के सेल्स हो गए, ठीक है, सेल वॉल्स हो गई, स्टेम्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है, उसकी ब्रांचेज हो गई, तो उनके बनाने में जो है वो इसका बहुत अहम किरदार होता है इन तीन न्यूट्रिएंट्स का, क्योंकि ये प्लांट के स्ट्रक्चर्स को बनाते हैं, इसी वजह से इनको कहा जाता है स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। इनके अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो प्लांट के स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व हो, इसीलिए सिर्फ इन तीनों को कहा जाता है कि भाई ये क्या है, स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स है। स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ ये जो है वो प्लांट की बॉडी के अंदर उसके कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करने के भी बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई ये प्लांट के लिए एनर्जी टोटल है। लास्ट पॉइंट को याद रखें, दे आर नॉट सप्लाई प्लांट्स, ये पौधे को ये तीन न्यूट्रिएंट्स कभी भी दिए नहीं जाते, प्लांट्स इनको नेचुरली जो है वो अपटेक कर रहा होता है, ठीक है। आप पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं देते, ठीक है, वाटर तो आप देते हैं उसको, लेकिन आमतौर पर जो है वो प्लांट को अगर वाटर ना भी दिया जाए तो बड़े प्लांट्स हैं वो फिर भी जो है वो सर्वाइव करते हैं। तो दिस इज द केस है। तो तीन न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स। इनको स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट की स्ट्रक्चर बनाने में इन तीन का जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो डोमिनेंट रोल होता है। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। स्ट्रक्चरल हमने क्लियर कर दिए, ये वाला पॉइंट मैंने जो है वो आपका क्लियर कर दिया है। अब हम आते हैं कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। अब आपके सारे के सारे जो है वो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर पढ़ के आए, तो मैक्रो और माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली साइज का बताता है कि भाई मैक्रो का मतलब है बड़ा जो हमें आंख से नजर आ जाए, और माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा जो हमें आंख से नजर ना आए, और जिसको जो है वो इस्तेमाल करने के लिए, सॉरी, देखने के लिए हमें मस्नूई आला जिसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं उसका इस्तेमाल करना पड़े, वो माइक्रो चीजें होती हैं, और जो आंख से नजर आए बड़ी बड़ी हो उनको हम कहते हैं मैक्रो। तो ये प्लांट न्यूट्रिशन की जबान में या प्लांट न्यूट्रिशन की साइंस में मैक्रो और माइक्रो का कॉन्सेप्ट साइज का नहीं है, ये छोटे बड़े का नहीं है, ठीक है, लेकिन प्लांट न्यूट्रिशन के अंदर मैक्रो और माइक्रो का जो कॉन्सेप्ट है वो अमाउंट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए हो, यानी कि बहुत ज्यादा मिकदार में चाहिए हो, तो उन न्यूट्रिएंट्स को कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एलिमेंट्स यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय द प्लांट आर टर्म्ड ए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स जो पौधे बहुत ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हो या जिनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पौधों को ज्यादा मिकदार में हो, उनको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये मैक्रो साइज नहीं है, याद रखें, मैक्रो और माइक्रो का जब आप एग्रीकल्चर में बात करेंगे, सॉइल साइंस में बात करेंगे, तो मैक्रो और माइक्रो का
हरगिज मतलब साइज नहीं है, ये बायोलॉजी के अंदर होगा साइज, लेकिन यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो की जो डिवीजन की गई है या इनके जो क्लासेस बनाए गए हैं कि भाई मैक्रो ये है माइक्रो ये है, ये सिर्फ इनकी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे बनाई गई है कि भाई कौन सा न्यूट्रेंट प्लांट को कितनी मिकदार में चाहिए है। जो एलिमेंट या जो न्यूट्रेंट प्लांट को बहुत ज्यादा मिकदार में इन इन केजीज, ठीक है, इन जो है वो मल्टीपल केजीज के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं वो होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी हमने समझने के लिए, इनको आसानी से पढ़ने के लिए क्लासिफाई किया है दो डिविजन्स के अंदर। एक होते हैं प्राइमरी यानी कि बेसिक बुनियादी, ठीक है, प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या होते हैं, अब आते हैं प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आपके तीन एलिमेंट्स आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स तो हैं, अब इन तीनों को प्राइमरी कहा जाता है, उन तीनों को सेकेंडरी कहा जाता है, मसला क्या है। मैक्रो जहां पर लफ्ज आ गया तो उसका मतलब ये है कि ये तीन भी उनको ज्यादा मिकदार में चाहिए, वो तीन भी इनको ज्यादा मिकदार में चाहिए। चलो मैं सेकेंडरी भी पढ़ा देता हूँ। तो सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अब ये प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिवीजन कैसे हो, देखिए जब अल्लाह ताला ने ये जमीन बनाई थी, ठीक है, तो इसके अंदर पौधों की नशोनुमा के लिए जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वो अल्लाह ताला ने इस जमीन के अंदर डाल दी थी। लेकिन ये दुनिया फानी है, ठीक है, सिर्फ इंसानों ने यहाँ से खत्म नहीं होना, कयामत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं आएगी, लेकिन इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब ने एक दिन जो है वो खत्म हो जाना है, यहाँ पर बका कोई भी चीज नहीं रहेगी। तो क्या होता है कि जब आप सॉइल के अंदर कल्टीवेट करते जाते हैं, पौधों फसल के ऊपर फसल लगाते हैं, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं तो वो एक दिन तो खत्म हो जाएंगे, और यही हमारे साथ हो रहा है। ठीक है, अब हम कहते हैं कि भाई जब तक फर्टिलाइजर नहीं डालोगे आपकी कोई क्रॉप होगी नहीं। तो पहले जब 1960 से पहले या 1950 से पहले जब हमारे आबाओ दादा दुआ करते थे तब तो फर्टिलाइजर थे ही नहीं, तब ये फिर एग्रीकल्चर कैसे हो रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि भाई प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी कमी या जिनकी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा मिकदार में पाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा फसल नहीं है जिसमें अंदर आपको ये कहा जाए कि भाई आप नाइट्रोजन ना डालो, फास्फोरस ना डालो, पोटेशियम ना डालो, हो ही नहीं सकता। जबकि सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो प्राइमरी से कम होती है, ठीक है, चाहिए ये भी प्लांट को ज्यादा, लेकिन जमीन के अंदर क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो मिनरल्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और उन मिनरल्स से प्लांट्स को कैल्शियम और मैग्नीशियम मिल रहा होता है, तो इनकी जो डेफिशिएंसी है वो क्या हो जाती है, कम दिखने को मिलती है, यानी कि इनको एज अ फर्टिलाइजर हम कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्राइमरी जो है वो हर वक्त डेफिशिएंट होते हैं, हर दफा आपको डालने होते हैं, इसीलिए इनको बुनियादी कहा जाता है और इनको सेकेंडरी कहा जाता है। देखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को अगर समझना है आपने तो मैं आपको आगे चल के और क्लियरली जो है वो इसको समझाता हूँ। अब आ जाते हैं हमारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी मिकदार या जिनकी जरूरत जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स से कम होती है, ठीक है, कम होती है, यानी कि मैक्रो के मुकाबले में ये कम होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये कहा जाए कि भाई नाइट्रोजन जो है वो आपकी फसल में 100 kg डालना है, 100 किलो डालनी है, तो उसकी बिना पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे वो 1 या 2 किलो डालने होंगे, ठीक है। तो ये इनका कॉन्सेप्ट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स को बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम चाहिए तो इनकी कोई अहमियत नहीं है, नहीं, आप भले मैक्रो 100 की तादाद में डाल दें, टनों की तादाद में डाल दें, लेकिन अगर 1 किलो भी आपने माइक्रो जो रिक्वायर्ड है प्लांट को वो नहीं डाला या नहीं प्रोवाइड किया, आपकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी।
इसका मतलब ये है कि रिक्वायरमेंट जो है या जो अमाउंट जो है वो ये नहीं पता था कि अहमियत किसकी ज्यादा है। ये सिर्फ हमने समझने के लिए जो है वो इनको डिवाइड किया है कि भाई कभी कभार जो डेफिशिएंट हो जाए वो सेकेंडरी है, जो हर वक्त डेफिशिएंट हो जाए वो प्राइमरी है, जो कम तादाद में चाहिए वो माइक्रो है, जो ज्यादा मिकदार में चाहिए वो मैक्रो है। अहमियत के हिसाब से सारे न्यूट्रिएंट्स अहमियत के हामिल हैं। याद करें वो पॉइंट के एलिमेंट्स जो है वो इस माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जब आप बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको स्मॉल अमाउंट्स में जो है वो चाहिए होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के मुकाबले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुलाम नबी आवाज अच्छी है पे मुंजो। जी हेलो जी जोए भाई बिल्कुल कंटिन्यू गए हो, आवाज़ जबरदस्त है। ठीक है, तो ये वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पौधे को कम मिकदार में चाहिए होते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कम है तो इनकी कोई अहमियत नहीं है। नहीं, 1 किलो अगर आपको जिंक चाहिए वो आप ना डालें तो आप भले जो है वो 200 किलो नाइट्रोजन डाल दें वो आपको जो है वो नहीं मिलेगा। तो हमने जो पीछे बात की थी एसेंशियलिटी क्राइटेरिया में कि भाई जब हर न्यूट्रिएंट का एक मखसूस काम है तो वो जब नहीं होगा तो काम ही नहीं होगा। तो ये बात आप याद रखें कि कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, कभी कभार चाहिए, हर वक्त चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो हर वक्त चाहिए वो इम्पोर्टेंट है या जो ज्यादा चाहिए वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारे हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो इनकी डिवीजन्स बनाई है जिसकी वजह से जो है ये सारी की सारी चीजें जो है वो आती है। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आ जाते हैं? सबसे पहले आता है बोरॉन, देन कॉपर, देन आयरन, देन मैंगनीज। ठीक है, आप इनके सिंबल्स भी याद रखें, आपको सिंबल्स भी याद करने पड़ेंगे। देन मोलिब्डेनियम एंड देन जिंक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो हैं